हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। गाइस, इस वीडियो में हम राष्ट्रीय मेंस का मेरिट छात्रवृत्ति चयन परीक्षा 2021, जिसे हम NTSC NMSS के नाम से जानते हैं, इसके बारे में गाइस हम डिटेल्स जानेंगे। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली इसी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन पोर्टल पर आदेश आया, जिसे हमने ओपन करके रखा है। तो गाइस, यहाँ पर हमें आवेदन किस तरीके से करना है, इसकी लास्ट डेट क्या है और क्या क्या क्वालिफिकेशन, सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो गाइस, यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसा कि राष्ट्रीय मेंस का मेरिट छात्रवृत्ति चयन परीक्षा 2021 दिनांक 2/5/2021 के विज्ञापन का प्रकाशन करने बाबत यहाँ पर गाइस और डिटेल्स दी गई है। यहाँ पर आप अगर चाहो तो इसे देख सकते हो, बट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देखने वाले हैं। तो गाइस, यहाँ पर हम देख सकते हैं, राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट छात्रवृत्ति हेतु चयन परीक्षा। यहाँ पर गाइस मध्य प्रदेश राज्य में स्थित केवल शासकीय और शासकीय अनुदान प्राप्त स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 2020-21 में कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए। तो गाइस, जो शासकीय विद्यालय हैं इसमें केवल जो क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं इनके लिए जो परीक्षा होती है वो आयोजित की जाती है। तो गाइस, यहाँ पर हम देख सकते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2018 से प्रारंभ की गई है। मध्य प्रदेश राज्य के लिए निर्धारित छात्रवृत्ति हेतु चयन परीक्षा 2021 दिनांक 2/5/2021 को आयोजित की जा रही है। चयनित विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष विद्यार्थी के हिसाब से गाइस यहाँ पर 12,000 रुपये के मान से कक्षा 9वीं से 12वीं तक छात्रवृत्ति दी जाती है। नियमित छात्रवृत्ति है तो कक्षा 9वीं एवं 11वीं न्यूनतम 55% एवं कक्षा 10वीं में न्यूनतम 7% अंक प्राप्त करना अनिवार्य। यह छात्रवृत्ति केवल शासकीय अनुदान प्राप्त एवं स्थानीय निकायों में विद्यालय में अध्ययन विद्यार्थियों के लिए है। इसके लिए बाद गाइस यहाँ पर हम देखते हैं, इसके लिए जो पात्रता क्या क्या होती है, क्वालिफिकेशन क्या क्या गाइस। तो यहाँ पर है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित केवल शासकीय अशासकीय अनुदान प्राप्त स्थानीय निकाय द्वारा संचालित विद्यालय में वर्ष 2020-21 में कक्षा 8 में अध्ययनरत जो नियमित रूप से अध्ययनरत हो, ऐसे विद्यार्थी इस परीक्षा हेतु पात्र होंगे जिन्होंने कक्षा 7वीं में कम से कम सी ग्रेड प्राप्त किया एवं जिनके अभिभावक की सकल वार्षिक आय गाइस वो 1.5 लाख रुपये तक होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद है गाइस यहाँ पर पाठ्यक्रम। तो इसमें जो पाठ्यक्रम कोई भी निर्धारित नहीं है, इसमें जो 7 और 8 के जो परीक्षा होती है उसके जो क्वेश्चन होते हैं उसी के आधार पर यहाँ पर पाठ्यक्रम होता है। अगला गाइस, यहाँ पर परीक्षा शुल्क की बात करें तो यहाँ पर कोई भी परीक्षा शुल्क दिया नहीं है। इसके बाद गाइस, परीक्षा का माध्यम यहाँ पर है तो परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होती है। इसके बाद गाइस, यहाँ पर आरक्षण, तो मध्य प्रदेश द्वारा निर्धारित कोटा अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त विद्यार्थियों तो जिलेवार आरक्षण का प्रावधान है। अब गाइस, यहाँ पर हम जो परीक्षा फॉर्म है इसे देखते हैं, तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि है गाइस यहाँ पर 22/3/2021, तो कल से हो सकता है ये चालू हो जाए। कल से अगर नहीं होता तो 1-2 दिन के बाद में ये आवेदन भरना चालू हो जाएगा। जैसे गाइस आवेदन भरना चालू होता है तो इस वीडियो के आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर हम डिटेल्स में जानेंगे कि हमें आवेदन किस तरीके से भरना है। इसके बाद गाइस, आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि वो 15/4/2021, तो गाइस यहाँ पर हमें लगभग 20 से 25 दिनों का टाइम मिलेगा यहाँ तक अपना आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद है गाइस, परीक्षा का दिन और दिनांक, तो यहाँ पर गाइस रविवार 2/5/2020, यहाँ पर गाइस 2021 होना चाहिए, यहाँ पर बाय मिस्टेक इन्होंने 2020 कर दिया है। और यहाँ पर है गाइस परीक्षा का शुल्क, तो यहाँ पर परीक्षा का कोई भी शुल्क नहीं है। इसके बाद गाइस, यहाँ पर जो परीक्षा का समय इस तरीके से दिया हुआ है, परीक्षा का समय है प्रातः यहाँ पर 11:45 से 1:30 बजे तक, और यहाँ पर है गाइस दोपहर 12:30 से 2:15 तक। यहाँ पर मेट हेतु, यहाँ पर सेट हेतु, यहाँ पर है गाइस मानसिक योग्यता परीक्षण, और यहाँ पर है सेट शैक्षणिक योग्यता परीक्षण। इसके लिए हमें समय अवधि 90 मिनट की होगी, जो प्रश्नों की संख्या होगी वो भी 90 होगी, और जो अधिकतम अंक होंगे वो 90 होंगे। यहाँ पर गाइस जो अर्हता है, जो यहाँ पर सामान्य वर्ग के लिए 40% अर्थात यहाँ पर उन्हें 72 अंक लाना है, और जो आरक्षण है उनके लिए 32% अर्थात उन्हें 58 अंक लाना है। इसके बाद गाइस यहाँ पर कुछ और डिटेल्स दी गई है, तो यहाँ पर जो हमें किस तरीके से आवेदन करना है, तो गाइस आवेदन करने के लिए यहाँ पर एक लिंक दिया गया है, MP ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पर आवेदन किया जाएगा। तो यहाँ पर हम इस लिंक पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की एक हार्ड कापी हमें प्रमाणित दस्तावेजों के साथ में हमें संकुल में जमा करना होता है। तो गाइस यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी गई है, इसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका हम लिंक डाल देंगे। यहाँ पर गाइस एक्चुअली हम अगर वीडियो को इसमें डिटेल्स में जानेंगे तो वीडियो की जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर इसे स्किप कर रहे हैं। जैसे गाइस यहाँ पर जो आवेदन नया आता है तो यहाँ पर हम आपको इसके बारे में इन्फॉर्म ज़रूर कर देंगे। आई होप गाइस आपको वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते गाइस।